नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप गंगवार और स्वागत है आपका हिंदी टेक सर्जी में। आज का टॉपिक है हमारा, कैसे हम ASP.NET में कैप्चा कंट्रोल ऐड करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी वेब डेवलपिंग वगैरह करते हैं या सीख रहे हैं जो प्रोग्रामिंग, कैप्चा कंट्रोल आपने देखे होंगे वेबसाइट्स में, जब हम लॉग इन करते हैं या साइन अप करते हैं या कोई भी हम फॉर्म सबमिट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, नीचे एक हॉच पॉच सा एक नंबर होता है, टेढ़ा मेढ़ा सी एक कोई इमेज होती है और उसमें नंबर होता है, वो हमें फिल करना होता है ठीक से। क्यों यूज करते हैं ये, तो उसका रीजन क्या होता है कि हमारा फॉर्म सबमिट ना हो डायरेक्ट, ऐसे ही एक ऑथेंटिकेशन हमारी चेक की जाए कि हम ह्यूमन है या नहीं। कोई मशीन तो, कोई रोबोट तो यूज नहीं कर रहा कंप्यूटर और वो लॉग इन करे और एज अ ह्यूमन फिर वो कुछ भी चेंजेस कर सकता है। किसी एप्लीकेशन के थ्रू कोई भी आदमी हैक कर रहा है या डायरेक्ट बगैर ऑथेंटिकेशन के एंटर कर जा रहा है किसी भी एप्लीकेशन में, तो उसको रोकने के लिए होता है। ह्यूमन होगा तो वो कैप्चा कंट्रोल भर पाएगा, कोई एप्लीकेशन या रोबोट वो नहीं फिल कर पाएगा। तो ये है हमारा, हम क्यों यूज़ करेंगे और बहुत ज़्यादा लॉगिन और साइन अप फॉर्म्स में यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले, अगर आपकी एप्लीकेशन अगर बनी हुई है, जिनका प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, तो उनके लिए ये नहीं है। पहले दो स्टेप, पहला स्टेप है कि हम विजुअल स्टूडियो खोलेंगे। ये देखिए मेरे पास है विजुअल स्टूडियो 2015, इस पे आप क्लिक करिए। अगर आपका कोई ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहा है तो आप उसमें जाएँ और अपना वेब फॉर्म में चले जाएँ, और अगर आप नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आप फाइल पर क्लिक करें और न्यू चूज करें, न्यू प्रोजेक्ट और वेबसाइट। आप क्या है, ऑप्शन आ जाएगा कि आपको शीशा, आपकी जो लैंग्वेज है, अगर आपकी शीशा आप है तो शीशा आप में चले जाइए, और अगर कोई दूसरी लैंग्वेज का आप कर रहे हैं जैसे VB वगैरह में, मैं आपको शीशा आपका बताने वाला हूँ, विजुअल बेसिक में कर रहे हैं तो आप विजुअल बेसिक में जा सकते हैं। और उसके बाद हमें विंडो एप्लीकेशन में नहीं जाना है, हमें वेब एप्लीकेशन में जाना है, और वेब में हमें चूज करना है ASP.NET वेब एप्लीकेशन। ठीक है, मैं इस प्रोजेक्ट को एक नाम दे देता हूँ, कैप्चा कंट्रोल। कोई भी प्रोजेक्ट को आप नाम दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से हमने टेम्पलेट चूज कर लिया हमारा वेब, और उसके बाद ये हमारा .NET फ्रेमवर्क है 4.5.2 लेटेस्ट। आप कहाँ सेव करना चाहते हैं ये है ही, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, बस ओके क्लिक करना है, तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएंगे कि एम्प्टी आप प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं जिसमें कुछ भी नहीं होगा, वेब फॉर्म वगैरह आपको ऐड करने होंगे, बूटस्ट्रैप आपको ऐड करना होगा, बूटस्ट्रैप की पूरी लाइब्रेरी, CSS, JavaScript, jQuery वगैरह। और अगर आप वेब फॉर्म वाला चूज करते हैं, आप MVC भी चूज कर सकते हैं इसी तरीके से जैसे हम कर रहे हैं, और वेब फॉर्म आप चूज कर लें जिसमें आपको वेब फॉर्म बना बनाया मिल जाएगा, और ओके कर दें आप। अब आपके सामने ये एप्लीकेशन आ जाएगी, इसमें देखिए जैसे मैंने आपको बताया था बना बने वेब फॉर्म मिल जाएंगे, ये हैं जैसे वेब फॉर्म इसमें ऑलरेडी एडिट है और जो मास्टर पेज से कनेक्टेड है, जैसे default.aspx। मास्टर पेज के बारे में भी मैं आपको डालूंगा आगे ट्यूटोरियल, तो आप वो देख सकते हैं। मास्टर पेज से हमारे ये सारे कनेक्टेड हैं, डिजाइन मास्टर पेज में है, रन कराता हूँ इस वक्त, डिजाइन हम मास्टर पेज में कर लेते हैं और उससे फिर हम बहुत सारे पेजों को कनेक्ट करके वो डिजाइन, कॉमन डिजाइन हमारा सभी पेजेस पे रहता है। अगर आप .NET में हैं तो आपको मास्टर पेज जरूर आना चाहिए, नहीं तो आपके लिए काम बहुत हार्ड हो जाता है। बिल्कुल एम्प्टी वेब फॉर्म लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, बिल्कुल एम्प्टी जिसके अंदर कोई डिजाइन नहीं होगा ऑलरेडी। आपको यहाँ राइट क्लिक करना है, एड पे जाना है और वेब फॉर्म पे आप क्लिक कर दीजिए। इसका नाम वेब फॉर्म 1, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, मैं यही रहने देता हूँ। एक सिंपल ब्लैंक वेब फॉर्म आ गया हमारे सामने। ठीक है, यहाँ पे हम कैप्चा बनाएंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था कि कैसे हम प्रोजेक्ट, नया प्रोजेक्ट लेंगे। तो पहला स्टेप, अगर आपका ऑलरेडी प्रोजेक्ट है तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है। आपके पास प्रोजेक्ट है, आपको अपनी जगह पे जाइए जहां आपको कैप्चा लेना है और फिर आगे का आप स्टेप कंप्लीट कीजिए। तो अब हमारा जो सेकेंड स्टेप है, हमें NuGet पैकेज इंस्टॉल करना होगा। ये पैकेज हमें किस लिए इंस्टॉल करना है, इसका भी एक सिंपल सा लॉजिक है कि देखिए जो भी आप फैसिलिटीज आप यूज करते हैं, देखिए आपने देखा होगा मेरे विंडो फॉर्म एप्लीकेशंस के ट्यूटोरियल हैं, आप उनमें देखेंगे, या शीशा आप जो भी यूज करते हैं उन्हें पता है कि आपको कोई भी, अगर आपको SQL कनेक्शन क्लास चाहिए तो आपको उसके नेम स्पेसेस चाहिए, आप वो लाइब्रेरी, वो नेम स्पेस, वो क्लासेस आपके पास होनी चाहिए। तो कैप्चा के लिए कुछ क्लासेस हैं, नेम स्पेसेस हैं, वो अलग बने हुए रखे हुए हैं, आपको वो इंस्टॉल करने होंगे, बाय डिफॉल्ट इसमें ऑलरेडी होते नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि रेफरेंस में मैंने आपको शीशा आपके स्टार्टिंग के ट्यूटोरियल्स में बताया था कि हम कैसे रेफरेंस ऐड करते हैं, अगर हम कोई नई DLL या नई लाइब्रेरी हम इंस्टॉल कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं। ये देख लीजिए, आप सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है,
सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर रेफरेंस नाम का जो आपका टैब है इसके ऊपर आप राइट क्लिक करें और फिर आपको जाना है मैनेज नूगेट पैकेजेस। नूगेट पैकेजेस की आपके सामने विंडो आ गई है, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं आपको क्या चाहिए। ले लीजिए, मैंने कैप्चा लिख दिया और आपको यहाँ देखिए इंस्टॉल्ड तो है नहीं, तो इसलिए नहीं आ रहा है, अपडेट्स में भी नहीं आएगा, आपको ब्राउज करना है। ये देखिए, ये आपके सामने जो सबसे पहला ऑप्शन आएगा बॉट डिटेक्ट कैप्चा, इंस्टॉल करना है, इस पे क्लिक करिए और इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ये विंडो आ जाएगी आपके सामने, कैप्चा का आपको जो भी वर्जन वगैरह बता रहा है आप ओके कर दीजिए। लाइसेंस एक्सेप्टेंस, जैसे ही वो इंस्टॉल होगा आपके सामने नेट पे कुछ हेल्प के लिए आपको ये विंडो खुल जाएगी, तो इसको यहाँ से क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। यहाँ पे आप इसको बंद कर दें और उसके बाद इसको भी बंद कर दें। आप देखिए अब रेफरेंस में ऐड हो जाएगा यहाँ पे, ये देखिए बॉट डिटेक्ट, ये वाला कैप्चा हमने इंस्टॉल कराया। अब इसको आप शीशा आपकी फाइल में भी इसे ऐड कर लें, राइट क्लिक करें, व्यू कोड पे जाएं और यहाँ पे हमारा बॉट डिटेक्ट नाम से नेम स्पेस आ जाएगा, इसको ऐड कर लें। उसके बाद दूसरी चीज जो हमारी वेब फॉर्म में है, यहाँ पे हमें अपने उस रेफरेंस को ऐड करना है यानी रजिस्टर करना है जो भी हमने रेफरेंस दिया है, क्योंकि यहाँ उसका कोड यहाँ भी यूज आएगा, सिर्फ शीशाप की फाइल में नहीं। शीशाप में तो अभी हम कोई यूज करने वाले नहीं है ऐसा नेम स्पेस इसका, हम यहाँ यूज करने वाले हैं उस नेम स्पेस की चीजों को, ठीक है, उसके टूल्स को, कैप्चा टूल को। तो इसलिए उसे जैसे वहां हमने लिखा था वैसे ही यहाँ रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर करने के लिए थोड़ा सा बस कोड लिखना होगा, असेंबली आपको ऐड करनी है। आपको पता है देखिए हर चीज के लिए असेंबली में क्लासेस बनी हुई हैं, आपको वो असेंबली रजिस्टर करनी होती है, ऐड करनी होती है। सबसे पहले आपको यहाँ क्या लिखना है, रजिस्टर लिखेंगे, उसके आगे आपको असेंबली लिखना है। असेंबली आपको बतानी है कि कौन सी असेंबली, अभी ये जो हमने डाउनलोड की थी, ठीक है ना, शीशा आप में यहाँ ऐड किया था ना बॉट डिटेक्ट, वही हम यहाँ पे डाल देते हैं। और उसके बाद हमें नेम स्पेस का नाम, और वो भी मैं आपको दिखाता हूँ शीशा आपकी फाइल में। ये देखिए बॉट डिटेक्ट डॉट वेब आ गया और डॉट यूआई, ये यहाँ भी आप दोनों का रेफरेंस दे सकते हैं। और यहाँ पे हमने नेम स्पेस का नाम ही डाल दिया बॉट डिटेक्ट डॉट वेब डॉट यूआई। उसके बाद जो हमें नेक्स्ट टैग प्रीफिक्स ऐड करना है, ये देखिए आ रहा है नीचे लिखा हुआ, बहुत इंटेलिजेंस अच्छी है विजुअल स्टूडियो की, ठीक है। तो जैसे होता ना डिव लिखा तो डिव के कंटेंट आ जाते हैं, ठीक है ना, ऐसे ही तो हमें एक टैग बनाना है हमें, और वो टैग आप खुद बना सकते हैं, आप कुछ भी नाम लिख लें, अपना नाम लिख लें, ठीक है। मैं यही लिख देता हूँ बॉट डिटेक्ट। पहला स्टेप आपने प्रोजेक्ट लिया, दूसरा स्टेप आपने क्या करा, इंस्टॉल करा बॉट डिटेक्ट, और उसके बाद उसको रजिस्टर कर दिया हमें वेब फॉर्म डॉट ए एस पी एक्स डॉट ए एस पी एक्स वाले पेज पे, रजिस्टर असेंबली दे दी, असेंबली का नाम पूरा नेम स्पेस का नाम दे दिया जो मैंने आपको यहाँ बताया था, असेंबली ये हो गई हमारी और ये नेम स्पेस हो गया, ठीक है, नाम दे दिए दोनों। और उसके बाद एक टैग प्रीफिक्स रख दिया, जो टैग ऐसा टैग होता है ना, इनको टैग बोलते हैं, इस टैग के लिए हम क्या प्रीफिक्स लगाएंगे कैप्चा लेने के लिए, तो वो नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, बस दैट्स इट। ये आपका हो गया रजिस्टर, जो कैप्चा आपने इंस्टॉल कराया था वो आपका रजिस्टर हो गया। इसके बाद जो कुछ सेटिंग्स से है हमारी जो वेब डॉट कॉन्फिग फाइल में अपने आप हो जाती हैं, आपको करनी नहीं पड़ेंगी वहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। वेब डॉट कॉन्फिग फाइल में चलते हैं हम, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे क्लिक कीजिए, स्क्रॉल डाउन टू बॉटम, यहाँ पे आपको मिलेगी वेब डॉट कॉन्फिग फाइल। ये हमारी वेब डॉट कॉन्फिग फाइल पूरी वेबसाइट की कॉन्फिग्रेशन के लिए होती है, वेबसाइट की पूरी कॉन्फिग्रेशन सेटिंग्स, यानी जो जैसे देखते हैं ना, एक आप वेब फॉर्म वन पे करें या आप किसी भी वेब फॉर्म पे अलग अलग पेजेस की अलग अलग सेटिंग्स उन वेब फॉर्म पे करते हैं आप सभी पे, वो उन्हीं पे लागू होती हैं जिस पे आप करते हैं पर्टिकुलरली। पर जो वेब डॉट कॉन्फिग में जो सेटिंग्स होती हैं वो हमारी पूरी वेबसाइट पे सभी वेब पेजेस पे अप्लाई होती हैं। तो जैसे ही हम बॉट डिटेक्ट कैप्चा अपना इंस्टॉल करते हैं तो कुछ सेटिंग्स हमारी वेब डॉट कॉन्फिग में खुद हो जाती हैं, वो आपको करनी नहीं पड़ती हैं। पर आपका अगर विजुअल स्टूडियो पुराना है या आपने जो इंस्टॉल करा है वो ओल्ड वर्जन है, तो अगर आपकी सेटिंग्स खुद नहीं हुई हैं वेब डॉट कॉन्फिग में तो आपको करनी पड़ेंगी खुद यहाँ पे आके। मगर आपको मैं दिखा देता हूँ कि खुद कौन कौन सी सेटिंग्स यहाँ पे हुई हैं। तो मैं सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे बॉट डिटेक्ट कैप्चा, अब देखिए आप कौन कौन सी, सबसे पहली हमारी कहाँ हुई है, कॉन्फिग सेक्शन में, कॉन्फिग सेक्शन में हमारे सेक्शन नेम से हो गई है, बॉट डिटेक्ट नाम है और उसकी
पूरी सेटिंग्स है, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स हो गई हमारी। उसके बाद जो हमारी दूसरी है वो सिस्टम डॉट वेब के अंदर होती है, इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर हम ऐड असेंबली, जैसे कि हमने असेंबली अपनी वेब पेज पे ऐड करी थी ना, वैसे वो सिर्फ उसी पेज के लिए था, पर सिस्टम डॉट वेब में जब ये असेंबली ऐड हो गई तो ये पूरी वेबसाइट के लिए ऐड हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड हो जाती है हमारी असेंबली उसी तरीके से, बिल्कुल। टैग प्रीफिक्स हमने जो दिया था बॉट डिटेक्ट, वो यहाँ भी सेम है बिल्कुल, ठीक है। और उसके बाद जो हमारी अगली सेटिंग्स होती है वो HTTP हैंडलर में होती है। देखिए हमारी वेबसाइट्स हैं, आपको पता है HTTP हैंडलर हैंडल करता है, मतलब HTTP जो हमारा प्रोटोकॉल पे हमारी वेबसाइट्स चलती हैं, तो हमें वहाँ भी रजिस्टर करने पड़ेगा HTTP हैंडलर पे। किस पे हमारी, कौन से HTTP हैंडलर पे चल रही है वेबसाइट, तो वहाँ भी हमें अपना कैप्चा को रजिस्टर करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए जो कैप्चा में इमेजेस आएंगी वो कोई आप डाउनलोड तो कर नहीं रखे, आपके प्रोजेक्ट में थोड़ी इमेजेस, वो HTTP हैंडलर के थ्रू ही आएंगी, तो आपको यहाँ भी रजिस्टर करना पड़ेगा। ये आपको करनी नहीं है, देखिए वेब डॉट कॉन्फिग की खुद सेटिंग हो रखी है, मैंने यहाँ पे खुद कुछ भी नहीं लिखा है, ये अपने आप हो गया है जैसे ही इंस्टॉल किया है। उसके बाद जो हमारा, ये हमारा हो गया HTTP हैंडलर, और उसके बाद सिस्टम डॉट वेब सर्वर, यानी हमारा IIS यानी इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज, जो हमारा डॉट नेट का सर्वर है, उस पे भी हमें इसको रजिस्टर करना है अपना बॉट डिटेक्ट को, ठीक है ना। तो यहाँ भी खुद ब खुद हो गया ऐड और रिमूव, दो बटन्स के, दो हमारे टैग्स के नाम से। और उसके बाद एकदम लास्ट डाउन एक सेटिंग ये यहाँ पे हो जाती है। तो ये है वेब डॉट कॉन्फिग की, और अब हम अपने कैप्चा को लाने के लिए डिज़ाइन करते हैं कुछ, थोड़ा सा एक इंटरफेस तैयार कर देता हूँ, एक बटन, एक टेक्स्ट बॉक्स, बस और कुछ नहीं। टेबल बना लेते हैं, एक टेबल ले ली, ये कॉलम ले लिया, इसमें हम कैप्चा डाल देंगे। एक दूसरी रो ले लेते हैं जिसके अंदर हम बटन डाल देंगे अपना, और एक और रो ले लेते हैं जिसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स डाल देंगे। यहाँ पे टूल बॉक्स में जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स एंटर कर देंगे, तो ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया, आप कुछ भी नाम दे दें इसका। अच्छा, इसके अंदर हम यहाँ पे डालेंगे कैप्चा, और ये तीसरा कॉलम जो हमारा है, तीसरी रो है, इसके अंदर हम बटन ले लेते हैं एक, जिससे हम अपना कैप्चा सबमिट करेंगे। वेरीफाई, एक यहाँ पे लेबल ले लेते हैं जिस पे मैसेज आ जाए, ठीक है, अगर हमारा कैप्चा सही है कि नहीं सही है, वो मैसेज हम कहाँ देखेंगे। एक लेबल ले लिया, और इस लेबल की आईडी दे देते हैं मैसेज, लेबल मैसेज, लेबल का टेक्स्ट हटा देते हैं टेक्स्ट प्रॉपर्टी से। आपको जो ये अलाइनमेंट देखिए सब टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, इसको कंट्रोल ए करें और कंट्रोल के और डी, तो सारा आपका अलाइन हो जाएगा प्रॉपर। अब हमें बस यहाँ पे क्या करना है, जो हमारा ए वाला कॉलम बचा है दूसरी रो का, सेकेंड रो का, इसके अंदर हमें कैप्चा लेना है। तो हमने देखिए कैप्चा का हमारा जो टैग प्रीफिक्स क्या लिया है, बॉट डिटेक्ट, तो बस यही लिखना है हमें यहाँ पे, हो गया बॉट डिटेक्ट वेब फॉर्म्स। उसके बाद आईडी दे दो आप, कैप्चा बॉक्स, कोई भी आईडी दे सकते हैं आप, रन एट सर्वर ज़रूर लिखना है आपको, बस दैट्स इट। आपको इंटरनेट पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे जिनमें आपको बहुत लंबे तरीके से DLL आपको डाउनलोड करनी होगी, और आपको ध्यान रखना होगा आप ऐसे कई स्पाइवेयर आप डाउनलोड कर लेंगे गलती से, ठीक है। तो ऐसा ना करें, जो ऐसे तरीकों से आप कोई भी डाउनलोड ना करें ऐसे फालतू प्रोग्राम, और उनके थ्रू आप कैप्चा ना यूज़ करें। हमारा विजुअल स्टूडियो का है, ऑथेंटिकेटेड है, कोई चीज़ हम इंटरनेट से फालतू डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट में नहीं लगा रहे जो हमारी सिक्योरिटी ब्रीच कर दे, ठीक है ना। ये बॉट डिटेक्ट है, बॉट यानी होता है ना रोबोट, बॉट डिटेक्ट यानी ये डिटेक्ट करेगा कि कहीं आपका यूज़र बॉट तो नहीं है, ठीक है ना। तो और एकदम ऑथेंटिकेटेड सोर्स से है, और बहुत सिंपल सिंपल। आपको पहला स्टेप आपको क्या करना था, नूगेट पैकेज से इंस्टॉल करना है आपको कैप्चा, दूसरा आपको यहाँ ऐड करना, ये रजिस्टर करना है, और वेब जो हमारा वेब डॉट कॉन्फिग की सेटिंग्स तो अपने आप ही हो गई थी, ठीक है ना, HTTP हैंडलर और IIS हैंडलर वाली और वेब सिस्टम डॉट वेब वाली, तीनों सेटिंग्स अपने आप हो गई थी। और उसके बाद हमने सिर्फ एक लाइन का कोड किया जिससे हमें कैप्चा मिल गया, बहुत अच्छा, ठीक है ना। अब बस हमें क्या करना है, एक बार इसको आप चाहे तो रन करा के इसको एक बार हम देख लेते हैं सब कुछ ठीक है कि नहीं। इसको सेव कर लें, सेव ऑल, सारी चीज़ें सेव हो जाएंगी, और हम रन कराते हैं, सिर्फ एक बार UI देख लेते हैं, उसके बाद हम C# में दो लाइन का कोड करेंगे। ये देखिए आ गया कैप्चा, आप उसके ऊपर ले जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा, बॉट डिटेक्ट कैप्चा ASP.NET फॉर्म वैलिडेशन। अब
अभी इस पे कोड नहीं किया ना हमने कुछ, इस बटन पे अभी हम कुछ क्लिक करेंगे तो कैप्चा नए नए आते रहेंगे, पर कोई कोड हमने नहीं कर रखा, ठीक है ना? आपको ये साउंड भी आप सुन सकते हैं इसकी, देखिए रफ साउंड में बोल रहा है, जो कोई दिव्यांग हो या कोई जो पढ़ नहीं पाए तो वो सुन के भी कर सकता है, ठीक है ना? और उसके बाद आप यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं नया कैप्चा, और इस कोड से, इस बटन पे अब हम कोड करेंगे जिससे हमारा कैप्चा वैलिडेट हो, ठीक है ना? जैसे लॉग इन बटन होता है, साइन अप बटन होता है। बस अब आपको क्या करना है, शीशा आपकी फाइल में जाना है, और एक काम करें आप, पहले इस जो हमारा बटन हमारा था ना नीचे जिस पे वेरीफाई लिखा हुआ था हमने, ये है हमारा बटन, इसका हम इवेंट बना लेंगे, ठीक है ना? तो बस डिज़ाइन पे क्लिक कर लीजिए, डिज़ाइन मोड पे चले जाते हैं, और यहाँ वेरीफाई जो बटन है हमारा, इस पे डबल क्लिक कर दीजिए, इसका इवेंट बन जाएगा शीशा आपकी फाइल में, देखिए अपने आप बन गया। अब इस इवेंट पे जो ये फंक्शन है हमारा, इसमें हमें थोड़ा सा कोड करना है, हमें चेक करना है जो हमारा कैप्चा बॉक्स है ना, क्या नाम रखा था हमने उसकी, आईडी कह दी थी कैप्चा बॉक्स, वैलिडेट हम कर रहे हैं इसको, फंक्शन है हमारा वैलिडेट वाला, किसको वैलिडेट कर रहे हैं, हमारा टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स की हमने आईडी कह दी थी टेक्स्ट कैप्चा, देखिए ये हमारी कैप्चा बॉक्स की आईडी, ये कैप्चा बॉक्स की आईडी किसका नाम ही कैप्चा बॉक्स रख दिया हमने, और टेक्स्ट बॉक्स की है टेक्स्ट कैप्चा, इन दोनों के थ्रू टेक्स्ट कैप्चा डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी से इसको वैलिडेट करते हैं। अब ये टेक्स्ट प्रो, ये क्या करेगा, वैलिडेट करके किस में रिटर्न देगा हमें ये फंक्शन, ये देखिए इसके ऊपर आप ले जाएंगे तो पता लगेगा बूलियन, तो बूलियन वैल्यू देगा ट्रू और फॉल्स, तो हम इसे बूल वेरिएबल में एक स्टोर कर लेते हैं, कुछ भी लिख देते हैं हम, इज ह्यूमन कुछ भी नाम लिख देते हैं, है ना? वेरिएबल का नाम है, आप कोई भी दे सकते हैं, और फिर उसके बाद हम इसको टेक्स्ट कैप्चर डॉट टेक्स्ट नल कर देते हैं इसको, उसके बाद एक छोटी सी कंडीशन लगा देते हैं, हम बोले नॉट इज ह्यूमन, अगर वो ह्यूमन नहीं है मतलब इस फॉल्स आ जाता है, तो हम क्या करना चाहते हैं, एक एरर शो कर दें, जो हमारा लेबल था ना, लेबल मैसेज लिया था, लेबल मैसेज डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, वहाँ पे क्या लिख दें, कुछ भी लिख देते हैं इनवैलिड, और इसका कलर भी आप दे सकते हैं, मैसेज डॉट कलर, सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट कलर डॉट रेड फॉल्स, यानी हमारा जो कैप्चा बॉक्स वैलिडेट करेगा अगर वो फॉल्स रिटर्न करता है, यानी हमारे टेक्स्ट बॉक्स से कैप्चा मैच नहीं करता है, तो वो क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, और फॉल्स है तो क्या हो जाएगा, आपको बोल देगा कि वेरीफाई नहीं करेगा, वो बोल देगा ये गलत है कैप्चा आपका, रॉन्ग है, आप दोबारा डालिए वैलिड, और इसका कलर कर देते हैं ग्रीन, दैट्स इट, ठीक। हमने देखिए छोटा सा कोड कराया बटन पे अपने, हम बटन पे चेक करना चाहते हैं कि हमारा कैप्चा बॉक्स वैलिडेट करेगा टेक्स्ट बॉक्स को, टेक्स्ट बॉक्स का, टेक्स्ट बॉक्स में जो भी अगर फॉल्स मैच नहीं होता है, तो मैच नहीं होता है तो एरर आ जाएगी, कलर रेड हो जाएगा एरर का, और ये मैच हो जाता है, ट्रू हो जाता है, वैलिड लिखा हो जाएगा ग्रीन कलर से, ठीक है। सेव कर दिया, रन कराते हैं, ये देखिए एकदम परफेक्ट रन कर रहा है। अब मैं कैप्चा डालता हूँ, क्या है 4S6P, ठीक, वेरीफाई क्या आ रहा, वैलिड। आप इस बटन पे क्या कर सकते हैं, लॉग इन कर जा सकते हैं, आप इस बटन पे कोड कर दीजिए, अगर ये कैप्चा वैलिड है तो आप यहीं पे कोड लिख सकते हैं कि हमारा दूसरा पेज खुल जाए, लॉग इन हो जाए, अगला पेज खुल जाए, जो भी आप कोड करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था कैप्चा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही नेसेसरी टॉपिक है डेवलपिंग में, जो लाइव डेवलपिंग करते हैं, वेबसाइट्स वगैरह बनाते हैं। छोटा सा एक रिकैप ले लेता हूँ, पहला पहला आपको क्या करना था, नूगेट पैकेज आपको इंस्टॉल करना था, रेफरेंस पे क्लिक करके, और मैनेज नूगेट पैकेज, और वहाँ से आप इंस्टॉल कर लेते, और इंस्टॉल करने के बाद आपको बस एक लाइन का कोड ये करना है, रजिस्टर करना है आपको अपने बॉट डिटेक्ट को, और एक प्रीफिक्स दे दे रहे हैं टैग प्रीफिक्स, इसी टैग प्रीफिक्स के थ्रू हम क्या करेंगे, कैप्चा अपना गेट करेंगे, ठीक है ना? तो दूसरी हमारी स्टेप हो गया, रजिस्टर कर लिया, अगला स्टेप क्या हो गया, हमने यूआई बनाई नॉर्मल, और नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, शीशा आपकी फाइल में छोटा सा कोड करा हमने अपने बटन को वैलिडेट करने के लिए, दैट्स इट। और वेब जो हमारी वेब डॉट कॉन्फिग फाइल थी हमारी, ये रही वेब डॉट कॉन्फिग, इसमें हमारी जो सेटिंग्स हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी, और कोई इसमें ज्यादा फैंसी थिंग्स है नहीं, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको कैप्चा का टॉपिक पसंद आया हो फ्रेंड्स, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो जरूर, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है हमारा चैनल, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू नेक्स्ट पार्ट, बाय बाय।